much to say. Thank you. Good evening. मुझे लगता है हम सबके पास घंटा मोमेंट्स होते हैं, पर मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि यहाँ पर आप सबके सामने अपनी घंटा मोमेंट शेयर करूँगी. लोगों ने मुझे काम दिया है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ. नहीं, रहने दीजिए. मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हूँ. मेरी एक फिल्म नॉमिनेटेड है, हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ. मुझे इस बात जी की खुशी है कि मुझे खुद नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ इसलिए शायद थोड़ी इस बात की कि सेटिस्फैक्शन है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, नॉट जस्ट एज अ गेस्ट बट एज समबडी हूज़ फिल्म इज़ नॉमिनेटेड. सो या, वी ऑल मेक सम इंटरेस्टिंग फिल्म चॉइसेस. एंड वो अभी जूरी डिसाइड करेगी ना यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पे आके डिसाइड करूँ फिर क्या फ़ायदा हुआ. मैं किसी, देखिए, मैं खुशी और दुख तो मुझे, मैं मानती हूँ कि अवार्ड अपने आप में एक रिकग्निशन है, चाहे वो अच्छे काम की हो या कम अच्छे काम की हो, पर हर अवार्ड एक रिकग्निशन होती है. तो शायद जिन्हें इस बार घंटा मिला हो वो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के अपनी चॉइसेस यूज़ करेंगे. I'm not going to say that here, no chance. I don't know enough, honestly, I don't know who are the nominated. So I'm not qualified enough to make that judgment yet. If I maybe knew the nominees, I might be able to take a guess. But don't you think Hollywood is opening up to criticism, and nowadays through these award functions, they actually can laugh along with the audiences on their own? Well, I think it's always good to have, a sense of humor. And the best way to get over a dark moment is to laugh at yourself. So we all have moments like these, you know, in our careers where maybe we made choices that were less than correct or that seemed correct at the time, but film turned out to be quite differently. I mean, it's easy to be an actor and say, I didn't know what was happening. I signed the film and then I don't know what happened. So as an actor, you have much lesser responsibility than, say, a director or a producer. I don't think so. I think everybody has a great sense of humor and people come here for a great, great time and to enjoy themselves. हाँ, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ना, मैं तो बहुत बहुत मुश्किल है. टू बी अच्छा, अच्छी फिल्म अभी जो मैंने देखी अवेंजर्स, अवेंजर्स में मैं ज़रूर चाहती थी कि मैं स्कारलेट जोहानसन का पार्ट प्ले करूँ. I think I really liked Airlift and I would have loved to have been a part of a film like Airlift. अभी मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी दिलजीत दोसांझ के साथ, अंबर सरिया, और अगला मैं क्या कर रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.